गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका लास्ट टॉपिक। ओके, गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स में हमारी लास्ट दो टॉपिक बाकी है, ठीक है। तो गेट ऑफ जो है एनिमल्स में हमारे दो टॉपिक बाकी हैं, उसमें हमने एक फिश कंप्लीट किया था और दूसरा है हाउ टू स्नेक्स मूव। स्नेक्स जो स्नेक होते हैं, सांप वो कैसे चलते हैं, कभी आपने देखा है सांप ऐसे सीधे चल के जा रहा है, कभी देखा है आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता, सांप हमेशा ऐसे 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 चलते हैं। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि जब भी आपके पीछे अगर सांप खड़ा है ना, तब स्ट्रेट भागो, ऐसे ऐसे मत भागो, क्योंकि सांप जो ऐसे ऐसे फटाफट चल सकता है, स्ट्रेट नहीं चल सकता। समझ में आया? इसलिए जो है गेट ऑफ एनिमल्स के अंदर हम फिश और सांप जो पढ़ेंगे, स्नेक सॉरी, तो उसमें फिश के बारे में बात की, फिश का मूवमेंट कैसा होता है। तो फिश का मूवमेंट कैसा होता है, उसके पहले हम फिश होती कैसे है, ऐसा होता है, ठीक है। फिश का बॉडी, फिश की बॉडी पार्ट कैसे होते हैं, यहाँ से छोटी, यहाँ से भी छोटी, और बीच वाला पार्ट मिडल पोर्शन कंपेयर्ड टू लीन पोर्शन में बड़ा होता है, और ये दोनों पोर्शन जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटा पार्ट यहाँ पे दोनों कंपेयर्ड टू छोटे होते हैं, ये बीच वाला पार्ट बड़ा होता है, ठीक है। फिश में ऐसे ही होता है ना कि ये पार्ट छोटा और ये छोटा, बीच वाला जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें ये जो है हेड है, हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ मिडल पोर्शन। टेक्स्टबुक में ऐसा दिया है, हेड एंड टेल आर smaller than the middle portion of the fish, ठीक है। और the body tapers at both the ends, दोनों ends पे body tapers होती है, और इसको इस तरीके से जो है इसको हम क्या बोलेंगे, streamline। इसको हम क्या बोलेंगे, streamline। इस तरीके की जो बॉडी होती है उसको हम स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं, क्लियर। स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं, समझ में आया? इम्पोर्टेंट है, समझना है सबको, ध्यान रखना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द शेप, इसका फिश का शेप इस तरीके से होता है कि वाटर जो है फ्लो कर सकती है फिश वाटर में इजीली, समझ में आया। स्केलेटन जो होते हैं फिश के वो कवर्ड होते हैं, स्केलेटन जो है वो फिश के वो कवर्ड होते हैं। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स से उसके स्केलेटन कवर्ड होते हैं, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट, जब वो स्विम करती है तो मसल्स जो फ्रंट पार्ट में है वो कर्व करते हैं साइड में, जब फिश जो मूव करती है तो फिश पे ऐसे ऐसे मूव करती है, समझ में। फिश जो है वो भी ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसा नहीं है वो ऐसे ऐसे करके मूव होती है, ठीक है। तो फिश जो है कुछ इस तरीके से मूव करती है, तो जो है वो उसका हेल्पफुल रहता है मूवमेंट में, क्लियर। मूवमेंट में उसकी बॉडी को कर्व करती है और आगे बढ़ती है, तो वो मसल्स जो है वो कर्व होते हैं, मसल्स कर्व हो जाते हैं, ठीक है। और वो हेल्प करते हैं उसको इजीली स्विम करने में, समझ में आया, ठीक है। और
आगे वाली इस साइड में अगर मूव हो रही है तो पीछे वाली दूसरे साइड में मूव होती है। फिश की जो बॉडी है आगे वाली अगर ऐसी है तो फिश ऐसे होती है कि ये फिश है तो उसका आगे पार्ट यहाँ पे इतने तो ऐसी हो जाएगी, तो उसका फिश का जो है इस तरीके से मूवमेंट होगा, ये पार्ट यहाँ पे तो ये पार्ट यहाँ ऐसे ऐसे करके हो जाएगी, समझ में आए। और इस तरीके से उसका मूवमेंट होता है और जो उसको हेल्पफुल होते हैं। और ये जो है कर्व करने में हेल्पफुलनेस की जर्क में कौन मददगार होता है, तो फिन्स, उसके जो फिन्स होते हैं, फिन्स वो हेल्पफुल होते हैं। फिन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फिश को, टेल के जो फिन्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं ऐसे मूव करने में, समझ में आया। फिश जो है उसके टेल पे भी फिन्स होते हैं और उसकी दूसरे बॉडी पार्ट पे भी फिन्स होते हैं, ठीक है, जो उसको टेल के ऊपर जो टेल जो पूंछ के ऊपर जो फिन्स होते हैं वो उसको मूव करने में जर्क में हेल्प कर देते हैं, और जो बाकी दूसरी जगह पे उसके जो फिन्स होते हैं वो उसकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं, वो उसकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं, समझ में आया। और उसको एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो अपने मूवमेंट कर सकती है, स्विमिंग जब हो रही है उस दरमियान, ठीक है। और मैंने जैसे पहले बोला कि आपने कभी नोटिस किया जो डाइवर्स होते हैं ना, जो सी के अंदर जाते हैं पानी में, वो लोग स्लीपर्स पैर में जो है पहन के जाते हैं, सो दैट उनको मूव करने में इजी हो, स्विम करने में बहुत स्मूथली वो ऐसे स्विम कर सके, इसलिए वो जो है स्लीपर्स पहन के जाते हैं, क्लियर, समझ में आए। और दूसरा है स्नेक्स, स्नेक्स का अपने जो है स्नेक्स के अंदर एक लॉन्ग बैकबोन होता है, स्नेक्स, स्नेक मतलब सांप, सांप के अंदर एक लॉन्ग बैकबोन होता है जो कनेक्टेड होता है, जिसमें बहुत सारे थिन मसल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे थिन पतले पतले मसल्स होते हैं, इवन दो वो मसल्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसमें एक लॉन्ग बैकबोन होता है जो बहुत सारे मसल से बना है, और वो मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो मसल फिर और दूर दूर भी होते हैं, आर फार देन वन अनदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं मसल्स, ठीक है। मसल्स जो है इंटरकनेक्ट के बोन, रिब्स और स्किन इन सब के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लियर। द बैकबोन, रिब्स और स्किन इन तीनों के साथ जो मसल्स है वो इंटरकनेक्ट होते हैं, क्लियर। फिर बॉडी, सॉरी समझ में आया इतना, उसके अंदर कैसे होता है हमारे जैसे स्ट्रेट बोन जो हमारा बैकबोन है यहाँ पीछे वैसा नहीं होता, मसल्स छोटे छोटे मसल्स से मिलके एक लॉन्ग बैकबोन बना है, रिब्स है सब कुछ पर मसल्स के थ्रू है, इंटरकनेक्ट है दूर दूर एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसलिए स्नेक्स जो है उसकी बॉडी को कैसे भी शेप में रख सकता है, गोल गोल भी करके ऐसे भी कैसे भी, समझ में आया, क्योंकि उनके अंदर हमारे जैसे बैकबोन जैसा नहीं होता स्ट्रेट एकदम बड़ा, तो स्नेक जो है कर्व कर सकता है उसकी बॉडी को बहुत सारे अलग अलग रूप्स में, ऐसे भी वो घूम सकता है, ऐसे भी अपनी बॉडी को रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है स्नेक, ऐसे
स्नेक ऐसा लूप बनाता है, यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, तो ये स्नेक ने क्या लूप बनाया है, दिख रहा है अभी ये स्नेक कुछ से, तो स्नेक ने यहाँ पे लूप बनाया, यहाँ पे एक लूप बनाया, यहाँ पे एक लूप बनाया, ठीक है, ये एक लूप और ये एक लूप। स्नेक जब चलता है तो लूप बनाता है, समझ में आया, इसकी मूवमेंट में वो लूप बहुत हेल्पफुल रहते हैं, हर एक लूप उसकी बॉडी को फॉरवर्ड पुश देते हैं और पीछे वाले लूप को वो अपने ग्राउंड के साथ अटैच करके रखता है, थोड़ा थोड़ा जो है अर्थवर्म जैसा, अर्थवर्म के पैर होते हैं तो ऐसे चलता है, आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट जो है उसके हेल्प, पीछे वाला जो है वो ऐसे है आसान, तो अब जो है क्या करेगा, इसके ये पार्ट को ग्राउंड में अटैच करेगा और ये पार्ट को आगे, फिर ये पार्ट को ग्राउंड में अटैच करेगा और ये पार्ट को आगे, और इस तरीके से एक एक पार्ट को ग्राउंड में अटैच करेगा, तो वैसे ही स्नेक्स जो है लूप बनाते हैं, एक लूप को पुश करते हैं आगे, दूसरी लूप को ग्राउंड में फिक्स करके रखते हैं, एक लूप को फिक्स करते हैं और दूसरी लूप को आगे मूव करते हैं, फॉरवर्ड पुश करते हैं, और इस तरीके से जो है स्नेक मूव करते हैं, समझ में आए, और इस तरीके से जो है स्नेक मूव करते हैं अपनी बॉडी को, क्लियर, समझ में आया इतना, इसलिए स्नेक जो है आगे अगर उसको चलना है तो जब ऐसे ऐसे करके चलना है तो बहुत फास्ट में चलेगा, स्ट्रेट अगर उसको चलना है तो उसको धीमे 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 बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता स्ट्रेट मूवमेंट, पर उसको टाइम लगेगा, कंपेयर टू कि कैसे ऐसे चलना है तो फास्ट, समझ में आया, स्ट्रेट जो है वो फटाफट नहीं चलता, इसलिए ऐसा बोला है कि जब स्नेक पीछे पड़ा हो तो आपको स्ट्रेट भागना है, कभी ऐसे ऐसे नहीं भागना, क्लियर, आपने सुना है कि नहीं पड़ता बोलते, समझ में आया, अब एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटेल ने उसकी एक बुक है गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में, जिसके अंदर एक ग्रीक फिलोसोफर है जिसका नाम एरिस्टोटल, उसने एक बुक लिखी है गेट ऑफ एनिमल्स, उसने ऐसे क्वेश्चन किया है उसकी बुक में कि क्यों हर एक एनिमल को अलग अलग बॉडी पार्ट है और किस तरीके से वो हेल्पफुल है उनकी मूवमेंट में, उनके फंक्शंस में, समझ में आया, ऐसा उसके बुक में उसने बताया, क्लियर, यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है, जितना इस लेसन में इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, अब हम ये लेसन में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्लियर, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये लेसन में जितना एक्सरसाइज में सब इम्पोर्टेंट,
स्टेटमेंट। समझ में आया? हमारे सिर्फ यहाँ पे ये लेक्चर में पांच ही फुटबॉल्स मैं लिखे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप लिख लो आपकी बुक में फटाफट। उसकी पहले एक बार मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूँ। द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। मूवमेंट और लोकोमोशन हर एक एनिमल का सेम होता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। सबका मूवमेंट और लोकोमोशन सेम नहीं होता। रियल सबका मूवमेंट और लोकोमोशन सेम नहीं होता, इसलिए फॉल्स। क्लियर? द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेज होते हैं वो हार्ड होते हैं बोन्स के कंपैरेटिव, तो आंसर आएगा फॉल्स। हमने देखा था कार्टिलेज यहाँ पे होते हैं, तो ये है हार्ड है, बोन्स से भी ज्यादा हार्ड है। नहीं, ये बोन से हार्ड नहीं है, इसलिए कार्टिलेजेस आर नॉट हार्डर देन बोन्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आएगा ट्रू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, इसलिए फॉल्स। फिर है द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट। जो हमारे फिंगर बोन्स, फिंगर बोन्स होते हैं उसमें जॉइंट नहीं है, तो फॉल्स। जॉइंट है तब जब अगर जॉइंट ना हो स्ट्रेट ही हो तो हमारा फिंगर ऐसा ऐसा हो गई। समझ में आया? फिंगर ऐसा ऐसा हो गई, इतना मुड़ेगा, इतना मुड़ता है, इतना मुड़ता है, इतना मुड़ता है, पूरा इतना हो जाता है ऐसे। तो इतने सारे जॉइंट की वजह से ये मूव होता है। जॉइंट ना हो तो वो स्ट्रेट ही रहे। जैसे हमारा ये पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में कोई जॉइंट नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेट ही रहते हैं। यहाँ पे जॉइंट है इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मूव होते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे जॉइंट है तो यहाँ पे मूवमेंट होती है। ये हमारे बात की है, ठीक है? ये इतने पार्ट में कोई जॉइंट नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं होता। इतने पार्ट में होता है मूवमेंट किसी का, नो वन किसी का भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। ये जो है यहाँ पे हमारे बोन्स जो है फिंगर में बहुत सारे जॉइंट है, और इससे ही हम जो है हमारे हैंड में ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे फिंगर की इतनी सारी जो है हम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट। क्लियर? समझ में आए? जॉइंट की वजह से मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसमें भी आएगा फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
कॉकरोच है एंड आउटर स्केलेटन। हमने जो है कॉकरोच जब पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, सबसे पहले ही आया था कॉकरोच है एंड आउटर स्केलेटन। तो ट्रू, कॉकरोच में आउटर स्केलेटन होता है, कॉकरोच में आउटर स्केलेटन होता है, तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। क्लियर, समझ में आया इतना आपको? ये सब इम्पोर्टेंट है, आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो, हमारी एक्सरसाइज पार्ट बाकी है, ठीक है? अब जो है आप ये पार्ट कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट joints of the bone helps in movement of the body. जो movement होती है वो किस कैसे होती है, तो हमारी body में जो joint है उसकी मदद से हम easily movement कर सकते हैं हमारी body में. Clear? Joints of the bones help in movement of the body. Clear? ये जॉइंट होता है, ये मैंने बोला वैसे फिंगर में बहुत सारे जॉइंट है इसलिए हम उसको ऐसा मूव कर सकते हैं। अगर फिंगर में जॉइंट नहीं होते तो हम जो है मूवमेंट नहीं कर पाते। क्लियर, हमारा फिंगर पर ऐसा ही रहता, सारे फिंगर हमारा ऐसे ही रहता अगर बोन जो है इसमें जॉइंट नहीं होते और स्ट्रेट बोन होते सारे तो। क्लियर, पर यहाँ पे जॉइंट है उसकी मदद से हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर पूरा ऐसे कर सकते और ऐसे। क्लियर, वो जॉइंट की मदद से, तो बस वही है जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन डैश ऑफ द मूवमेंट। जॉइंट किस में मदद करते हैं, तो मूवमेंट करने में, मूवमेंट करने में जो है जॉइंट हेल्पफुल है। यहाँ तक से ऐसा है तो ये यहाँ पे भी जॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो आप इसको आपकी बुक में नोट डाउन कर लो, हमारे और इसमें और कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, समझ में आया? ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं लेसन के अंदर जो था उसमें से ये कुछ फिंगर लेंथ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ना, और सब में जो है ये कॉमन है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्कशीट के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो आपके बुक। ओके,